सबसे ज्यादा इन मृदाओं ने यहाँ ठगा है हमारे लोगों को हम अभी जागरूक है, है। की, की में, में, बीजेपी ज्वाइन की उनका स्वास्थ्य करने के लिए किसानों को कौन पूछता है बीजेपी और कांग्रेस एक ही है वो सवाई सिंह जी पहले बीजेपी में थे उनका ये सेटल करके हनुमान जी को कैसे हराए गुरु सिंह जी के पास वैसे भी कुछ पद देने के लिए या कोई जनता ऐसा कुछ विचार भी नहीं करती है उससे पार्टी बीजेपी झांसा अच्छा। दे के पूरा भारत चला रहा है जी। और क्या काम कर रहा है पंद्रह पंद्रह लाख आएंगे जीएसटी एस झांसा ये करते हैं और क्या काम की जनता सिर्फ आर एल कोई काम की कमी नहीं है जी। और काम कराने में वो हनुमान जी जो बात कह देते हैं वो काम के लिए वो वापस पीछे नहीं घुपड़ते कभी पीछे घूम के नहीं देखा है काम बोल दिया तो वो काम करके ही वो काम करके बिना उनको चैन नहीं आती रात को नींद नहीं आती मैंने मैसेज किया गौशाला के अंदर ट्यूबेल नेताजी जी, जी ट्यूबवेल नहीं है या गयो की मान लो या, 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 ये जो ये दो चार महीने का पानी है इसके नाली के, के अंदर बारिश का आया हुआ तो वहाँ एकटा वो कम हो गया है तो आप ट्यूबवेल तो राम सालो ये ट्यूबवेल में आपके स्वीकृत कराते हैं लेकिन उनका फंड बीजेपी गवर्नमेंट ने रोक के रखा है जी। अम, मेरे को पूरा काम फंड रुकता है काम वित्तीय स्वीकृति जारी होती है मेरे को माइनर पॉइंट और माइनर चीज की हर चीज़ की जानकारी है मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चलाता तो हूँ बीजेपी वाले पिछले दस महीनों से बीजेपी गवर्नमेंट ने एक धरातल पर योजना नहीं उतारी और पूरे राजस्थान के बजट बजट की घोषणा की एक बजट का एक राति मान लो एक पैसा पे, है ना भूणिया ढेला ढेला तक का, का काम नहीं हुआ है आज तक क्यों सर कौन राजस्थान के दो ही विधानसभा क्षेत्र में कहीं काम नहीं हुआ है नहीं सड़कें हुई सिर्फ काम विकास हो रहा है वो हनुमान जी की देन से सिर्फ एक क्यों ख्यूसर में विकास हो रहा है और उनकी बहुत बड़ी भगवान की तैंतीस करोड़ देवी देवता सभी की उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी और उनके पास क्या शक्ति है पता नहीं लेकिन यहाँ क्यों सर में बहुत काम की कमी भी नहीं जी कल नामांकन दाखिल हुआ था बीजेपी की मीटिंग थी बहुत बड़े बड़े यहाँ सी एम जी भी यहाँ पर आए थे राजस्थान के लगभग सभी नेता जो बीजेपी में प्रमुख अपना मतलब पद रखते हैं सब आ गए क्या कारण है इतना इतना मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को घेरने का काम क्यों हो रहा है यहाँ ये सारी जो किसान विरोधी ताकतें पूरी कलिंगी हुई थी मंच पर बैठी थी जी। वो बीजेपी का उनको पता नहीं है उनको तो आगे सारी उनको बोल दिया आप या में चले जाओ वादे करते रो, बोल रहो बोल रहे हो काम ये चुनाव होने के बाद में आपके काम करवा देंगे अरे दस महीने थे पीछे उस टाइम तो काम करवाए नहीं बोल दिया आप कोई बोले टुबेल आपके टुबेल करा देंगे रात को कोई एक मेरे मेरा कोई एक बंदा था वहाँ मेरे को फोन किया वो मीटिंग हुई थी जा, आप जहाँ जाते तो वादा कर लो और हम चले जाएंगे वहाँ तो पीछे कौ, कौन रहेगा अब जीत जाएंगे और हम अपने घर पर चले जाएंगे कई मंत्री बोल रहे झूठे अभी मंत्री होते हुए भी दस महीने में काम कुछ नहीं हुआ है क्या करेंगे वो क्यों झूठ बोल रहे हैं जनता को बरगलाने का काम बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने आज तक झूठा काम झूठा बरगल किसानों के विरोध जितने भी बिल किसान के काला कानून और किसानों को ब्रगलाना कोरोना ये कोई लाइट शेयर कोई दिया जलाने से कोई कोरोना चला गया क्या उनको ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लिया सिर्फ झूठा झांसा दिया है बीजेपी ने और यहाँ भजन लाल भजन लाल खुद ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो सुधांशु पंत सचिव मुख्य सेक्रेटरी वही गवर्नमेंट चला रहे हैं या अधिकारी गवर्नमेंट चला रहे वो कहाँ डिसीजन ले रहे डिसीजन ले रहे तो काम आज दस महीने में एक ढेला का काम नहीं हुआ ये ये बैठे यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो उनकी जांच भी नहीं हुई है बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं किसानों को ऐसे कर देंगे वो कर देंगे आज तक दस महीने में एक ढेला का काम नहीं किया है और सिर्फ किसान विरोधी ताकतें या ये किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल है उनको हराने के लिए उनको चारों तरफ से उनको घेरने के लिए या तैयार होके ये सारी ताकतें भ्रष्टाचार से मिली हुई वो पैसों या पैसा ये या पानी की तरह बहेगा लेकिन हम हमारी क्यों सर जनता उनके झांसे में नहीं आएंगे और हम खुल के वोट करेंगे एक एक वोट घर से बूथ तक पहुंचाएंगे और हम हमारी जिम्मेवारी हर बूथ तक हमारे वोट पहुंचा के और वो मतदान करवाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट का ये नियम है भाई आप वोट पीछे नहीं छोड़ना है ज्यादा परसेंटेज हर आदमी को अधिकार है और उनका मैं कानून को फॉलो करेंगे जी कांग्रेस पार्टी की अपन बात करते हैं यहाँ जब से क्यों विधानसभा बनी है बीजेपी बहुत कम बार यहाँ पर जो है जीत पाई है केवल हनुमान जी बनी वाले यहाँ बीजेपी से जीत पाए उसके बाद में कांग्रेस कहीं ना कहीं सक्रिय हुई है इस बार की अपन बात करते हैं तो यहाँ से सवय सिंह चौधरी की पत्नी है रतन चौधरी वो चुनाव लड़ रही है सवय सिंह जी पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए वहाँ से टिकट मिला नहीं वापस कांग्रेस में चले गए वहाँ से टिकट लेकर आ गए क्या ये क्या समीकरण बैठ रहे हैं ये समीकरण कुछ नहीं है ये तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही है वो सवाई सिंह जी पहले बीजेपी में थे उनका ये सेटलमेंटल करके हनुमान जी को कैसे हराए उनके हिसाब से वो यहाँ घूमने के लिए नहीं आएंगे वो वहीं रैली करेंगे और पहले वाले पैसे कोई गाड़ी वाले मांग रहा है कुछ पहले कोई चुनाव लड़े थे तो यहाँ सिर्फ एक यहाँ लाइम स्टोन निकल रहा है यहाँ लाइम स्टोन और इस एरिया के अंदर टूबेल है और इनकी शिकायतें करना और किसानों से ये ये सारे काम किए और नहीं तो इनके इनका वोट एक ही है जी। इनको वोट एक तो ये हनुमान बेनीवाल और ये अंटी हनुमान यही तो वोट पड़ रहे हैं और ये ये लोग ये बाद में बहुत पछताएंगे यहाँ सड़कें गड्ढे होते थे ये तो हनुमान जी की देन है हम एकदम ऐसी सड़क या कहीं नहीं आप दो सौ विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी घूम लो मैं चार जिलों में जानता हूँ मैं मैं चार जिलों के अंदर कम से कम तीस विधानसभा क्षेत्र को मैं अलग अलग जानता हूँ कौन क्या काम करवा रहा है उनको बोलने का इतना ही छूट मिलती है बीजेपी और कांग्रेस में जितना पीछे से दिल्ली से ऑर्डर होता है उतना आगे कुछ बोल दिया या सैनिक अभी रामस्वरूप कसाना कसवा अभी कैडली का था तो उनको सैनिक सम्मान के लिए या पांच पांच दिनों के लिए धरना लिए एक भी नेता आके न्याय के लिए नहीं बोला ये भी हम गवर्नमेंट में न्याय के लिए बोलते भाई इनको न्याय मिलना चाहिए ये अपने यहाँ हमारे सबकी सैनिक हमारी सबकी रखवाली करता है हम गरु के यहाँ बैठे छाती चोरी करके वो सैनिकों के लिए सैनिक आगे वोटर पर खड़े हैं तो सैनिक सीना सिन्ना है ऐसे थोड़े ये उनको सम्मान नहीं तो ये हनुमान जी बेनीवाल ने एक भाई के सोमवार को आप ज़्यादा से तो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े बसपा से चुनाव लड़ा उन्होंने कांग्रेस से इस बार टिकट मांग रहे थे नहीं मिला रात्रि बारह एक बजे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या इस पर आपका क्या वक्त है अभी दुर्ग सिंह जी तो अभी कुछ नहीं है दुर्ग सिंह जी तो उनको तो कुछ नहीं लोगों को बरगलाना सिर्फ ये सारे लोग वोटों के टाइम आते हैं और ये मुकान के टाइम जी। मुकान बहुत कम आगे घर बैठ के छापा बांधने का काम आगे ये कोई शादी समारोह और ये मुकान बस इनका यही काम है और दुर्ग सिंह जी के पास वैसे भी कुछ पद देने के लिए या कोई जनता ऐसा कुछ विचार भी नहीं करती है पहले बसपा में वोट दिए थे यहाँ के भोले भाले किसान और यहाँ के शेडलू कास्ट को थोड़ा बरगला या बोले आपके ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं इसीलिए वो ऐसा इस अभी इस, ऐसा कुछ चर्चा में नहीं जी डूडी की अपन बात करते हैं जिन्होंने कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया बीजेपी से कई बार ट्राई की उन्होंने टिकट की नहीं मिला उस पर आपका क्या कहना क्या जी डूडी मेरे मामा जी रिश्ते में है जी। तो बागरे जी भागरे जी साहब सब लोग ने बात की है तो भागरे जी बोल रहे हैं हम झांसे में नहीं आते उनका झांसा पसंद नहीं जी। वो ये जयपुर के अंदर बिजनेसमैन है जी तो उनको ये झूठ बोलना ये उनको ये इनके है ही नहीं दिमाग में ही नहीं है वो साफ छवि के और जो झूठ बोलेगे उनके झांसे में वो वो आएंगे ही नहीं बागरे इसलिए जी ने क्या ये किसान की पार्टी में मैं किसानों की सेवा के लिए जाऊंगा युवा जनता शिक्षा के प्रति उनका ऐसी सोच के लिए उन्होंने खुद ने और खुद निर्णय लिया कि मैं हनुमान जी बनीवाल आर में आर को समर्थन दे और तन मन और धन और लोगों को जागरूक करके और वोट दिलाने का और पूरा समर्थन वो आर एल ज्वाइन किए और पूरा समर्थन अपना बीजेपी छोड़ के आर एल ज्वाइन किया पिछला उपचुनाव हुआ था जहाँ से नारायण जी बेनीवाल यहाँ से चुनाव लड़े थे 4500 वोटों समथिंग वो जीते थे उसके बाद में प्रमुख विधानसभा चुनाव हुआ था हनुमान बेनीवाल यहाँ से 202100 वोटों से जीते थे अंतर लगातार कम हो रहा है क्या कारण है? अंतर तो कम पहले तो हनुमान जी यहाँ ऐसे छोड़कर गए और हम प्रचार के लिए यहाँ इतनी मेहनत नहीं की क्योंकि लोगों को बरगला के ये काम कर देंगे ये झूठे जाल से देके और ये सारी विरोधी ताकतें पहले वो बजरी मापिया उसने ज्यादा से ज्यादा पैसा दे के पानी से कोई पैसा बांट बूंटवा के और इन इन्होंने जो चुनाव आयोग का वो तो काम था ये जितने भी सारे पैसा उनके पीछे पार्टियाँ लगनी चाहिए वो ये पार्टी पैसा कहाँ कौन लेके जा रहा है तो उन्हें ये नाके लगा दिए ध्यान नहीं रहते उनको चुनाव आयोग को ये नाके नाके के प्रति उनको ऐसा ऐसा छोड़ना चाहिए कौन पैसा इधर उधर कर रहा है क्या कर रहे तो वो नहीं करके वो इसलिए वो वोट लेके चले गए और कुछ हनुमान जी से तो कोई ऐसा नहीं है आम आदमी हमने सारे खुश है हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो यहाँ जनता को मैं पूछ रहा हूँ क्या कमी है हनुमान जी की तरफ से क्या बताओ आप कोई काम है तो उनके वहाँ तक पहुँचाएंगे और ये डॉक्यूमेंट वहाँ दिल्ली जाएगा केंद्र में और यहाँ हमारे आर के लिए इसीलिए हम कह भेज रहे हमारी भागीदारी यहाँ विधानसभा में भागीदारी हो राजस्थान के अंदर आर की जी एंट्री होनी चाहिए हम हम वही मकसद के लिए यहाँ के सब वो अक्षर की जनता वही काम करने के लिए कर रहे सारे जी रेमतराम जी डांगा जो पूर्व के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य थे वहाँ से प्रधान भी बने उस पार्टी से हनुमान जी बेनीवाल ने प्रधान बनाने के लिए खूब मेहनत की उन्होंने कल बताया था कि मैं इनको प्रधान बनाने के लिए गली गली घूमा लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने धोखा दे दिया क्या कारण रही क्या ऐसी परिस्थिति आ गई रेवत राम डांगा को अलग होना पड़ा अभी रेवंत जी डांगा अभी उनको पता है क्या परिस्थिति तो लेकिन जो जो कोई भी बंदा ज़्यादा थोड़ा हो जाता है और उनको ये ज़्यादा हो जाता है मैं मैं विधायक बन जाऊँगा मैं एम पी बन जाऊँगा इसके हिसाब से गए होंगे और हमारे को तो ऐसा कुछ इनको पता नहीं तो ये बीजेपी में को झांसा बीजेपी झांसा ही झांसेबाज पार्टी बीजेपी झांसा दे के पूरा भारत चला रहा है जी और क्या काम कर रहा है पंद्रह पंद्रह लाख आएंगे जीएसटी एस झांसा ये करते हैं और क्या काम उनके पास कुछ काम नहीं नरेंद्र मोदी वहाँ एक ऐसा झांसा देते हैं और सबको एक दे दिया तो वो सारे वही करते मोदी मोदी करते हैं, मोधी -मोधी करते हैं। या कल देखा नहीं मीटिंग के अंदर किसी का कुछ मान सम्मान नहीं सिर्फ एक मोदी मोदी और कुछ नहीं मोदी मोदी यहाँ क्योंकि वो सरकारी अधिकारी या नहीं तो वो सुधांशुंत सुपंत करते थे सचिव सचिव उनको पता नहीं अभी सरकार अधिकारी चला रहे मेरे को पूरा वकीफ है यहाँ थिसर नागौर ये जितने भी है ना ये उनके कहने से शेड्यूल कास्ट को भाई कल एक देखो भाषण दिया था ऐसे के जितने भी और या ईमानदारी से काम करने वालों को सारों को ट्रांसफर कर दी चूंकि ये उपचुनाव से पहले जी। सारों को ये बार भेज दिया कल एक देखो शेड्यूल कास्ट भाई बोल रहे या हमारे लोग इतना ट्रांसफर कर दिए क्योंकि उनका उनका काम है ये ईमानदार लोग हैं अब या ईमानदारी नहीं या तो ऐसे भर दो एक तरफा और ज्योति बोल रहे ऐसे फेंक रहे हैं ज्योति तो अभी चुनाव में आती है कब आती है ज्योति जी सबसे सबसे इस किसान के सबसे ज्यादा इन मृदाओं ने यहाँ ठगा है हमारे लोगों को हम अभी जागरूक हैं हमारे को पता है ज्योति इंडिया बुल्स ये इडी की ईडी की रेड पड़ने से इंडिया बुल्स जोधपुर में झालामंड में डाल के रखा रेड पड़ने वाली थी इसीलिए बीजेपी ज्वाइन की उनका स्वर्थ सिद्ध करने के लिए किसानों को कौन पूछता है किसानों को हम पूछते हैं हम या किसानों के बीच रहते हैं हमारे को पता रहता किसानों की कि क्या पीड़ा है और कोरोना के काल के अंदर या मैंने कम से कम यहाँ दो वाट से या कम से कम चालीस सिलेंडर मेरी गाड़ी से मेरे को कोरोना हुआ मैंने सप्लाई किया है जी। अब अखबार की न्यूज देखना या हॉस्पिटल में पूछ लेना एक मैं मात्र यहाँ का एक जिला परिषद के तौर पर मैंने कम से कम उस एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था नागौर में वह ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई सुविधा नहीं थी मैं जोधपुर से छः नंबर गली बासनी से लाला के यहाँ उनका वहाँ से बोल के रिक्वेस्ट करके सेटल करके यहाँ के कोरोना काल के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की जी। और बाकी ये बीजेपी गवर्नमेंट झूठा बोल रहे हैं ये लाइट जगह वैसे हो जाएगा कोरोना भाग जाएगा ये क्यों ये झूठा जान से ये अभी पहले वाली बातें कर रहे हैं अभी कौन सा जमाना है हम सब जागरूक व्यक्ति है हम यहाँ सिर्फ शिक्षा के प्रति नेताजी ने बहुत जागरूक कर दिया अभी ये मंत्री यहाँ सब गली गली घूमेंगे परिवाद वह बोलेंगे हम गोदारा है हम पूछड़ा है हम ढींगड़ा है ये फलाना है ये पलान सिंह है सब ये बरगलाने का काम करेंगे हमारे साथ छत्तीस कौम की जनता हमारे साथ है आर को वोट डालेंगे हनुमान जी को वोट कन्निका बेनीवाल को भारी मतों से विजय करवाएंगे हम वो इतना ठान लिया है चाहे कोई भी कितनी भी या किसान विरोधी ताकत आ जाए लेकिन उनके बैकव में नहीं आएंगे हम हर वोटर को वोट को यहाँ पहुंचाने का काम करेंगे बूथ तक जी क्या लग रहा है लीड कितनी रह सकती है इस बार अभी लीड कम से कम बीस से पच्चीस हजार लीड लेंगे क्योंकि वो देखो खरनाल के अंदर क्या साजिश रची थी जी। हनुमान जी ने क्या आए ही नहीं तो उस टाइम जी। हनुमान जी वो साजिश रखे ऐसा माइक बाइक तोड़ना करना ये अच्छी बात नहीं है मैसेज जो किसने किया है वो तेजा जी जानता वो तेजा जी, जी महाराज है हम मैं या झूठ या मैं जीती बातें बोलो नहीं जी। मैं मारी मेरी ईमानदारी से बोल के मैं आपके कोई मेरे पास ऐसा नहीं मैं झूठा झांसा कोई देता नहीं जी। और नहीं मैं मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ पहलवान बेटियों का साथ हनुमान बेनीवाल जी ने लिया था वो कहाँ गए बाकी नेता मोटी मोटी बातें कर रहे थे कहाँ गए वो राम रामवा सैनिक उनके लिए मान सम्मान के लिए गए क्या कोई वो एक भी नेता नहीं आया नरेश हत्याकांड जी। नरेश जोधपुर का उनके लिए हनुमान जी आए थे और हनुमान जी ने मेहनत कर स्पेशल प्लान से आके उनको उनका मामला और का दर्जा दिलाया उनका काम नेताजी ने किया अभी बोल रहे हैं मुआवजा खराबेगा यहाँ सर के अंदर आपकी गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है तो पिछले दस महीनों में दो का मुआवजा पड़ा है चौंतीस चौंतीस हजार रुपए और अभी तक है वो दिया नहीं तो आपकी गवर्नमेंट की सरकार चौंतीस हज़ार रुपये किसानों को नहीं दे, दे पा रही अभी ट्यूब की फुकट की बात कर रहे हैं क्यों जो लोगों को झूठा बोल रहे हो आपके पास चौतीस हजार किसान को देने के लिए मुआवजा का पैसा नहीं है कल वो अशोक चौधरी अभी नो वाला झूठा ही मैं कर ऐसा कर दूँ ऐसा कर दूँ अभी तो पैसा कहाँ है नहीं आया पैसा ये झूठी फर्जी बात है फसल खराब है आज तक नहीं है अभी तक और कल बोल रहे थे ये चुनाव होने के बाद में क्यों भी जी चुनाव वो तो पहले कहा है सेक्शन ऐसा थोड़ी कह रहा है कानून क्या कह रहा है आचार संहिता के अंदर नई स्वीकृति जारी नहीं करना जी रूटीन काम आप तो पानी पैसा वो को ये खाना उनका ये कोयला बंदे पर ने लेकर दिया ऐसे नहीं ऐसा आचार संहिता में ऐसा नहीं लिखा है आचार संहिता में आप नए काम स्वीकृति करना या नया काम मान लो रूटीन में काम आप नहीं कर सकते रूटीन जो काम चल रहा है रेगुलराइज वो काम करो आचार संहिता में इसमें लिखा है उनको बोल बोर्ड डबल इंजन की सरकार है हम बाद में करवा दें बाद में कुछ नहीं होगा अभी कल मीटिंग हुई थी उन्हों वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो किसानों को बोल बोल दो कि जो चाहिए घर घर सड़क घर घर ट्यूबेल आप पानी चला लेना बाद में चलाना तो दस महीने में नहीं चलाए क्यों किसानों को बरगला रहे हो हनुमान बेनीवाल सांसद बने तो उनकी सीट ही थी जी तो इसीलिए और हम सारे लोगों को हमारे को बुलाए थे हनुमान जी ने बोले सारे लोग जीते खेऊसर के जनता है सारे लोग मेरे यहाँ घर पर सभा कर लेते हैं आपका मुख्य मुख्य आदमी जो जो आपका घर घर जितने भी वोटर है उनको पूछ के कर भाई आप चलो या हम जा रहे हैं आपके नेतृत्व करने के क्या आप जाओ तो हम गए तो हम हनुमान जी को बोले हम आप पर छोड़ दें चाहे किसी को भी आप कैंडिडेट बना दो और नहीं तो हम खुद ज्यादा ज्यादातर लोगों बोले कि कनिका बेनीवाल को उतारो अपने घर में ही रखो क्योंकि हमने हम तो आप पाँच साल के लिए दिए क्योंसर का सेवा करने के लिए और जब ख्यूसर के इतना काम हुआ बस और कुछ नहीं इतना काम जितना इसलिए हम इनको हनुमान जी बनीवाल को बिना गवर्नमेंट में बिना सत्ता में रहते हुए उन्होंने काम किया है आज तक डीसी मीटिंग के लिए हम बार बार देखते हैं विकास के लिए चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो चाहे राज्य की गवर्नमेंट हो काम किसी से छुपा नहीं है नहीं तो बीजेपी से छुपा है नहीं कांग्रेस से छुपा ये लोग सारे हथखंडे अपना रहे हैं कि ये हनुमान जी इतना काम करा रहे तो हमारे को कौन पूछेगा यही उनका मेन मकसद है और यहाँ काम की कोई कमी नहीं विकास तो इतना वापस अब मैं क्या कहूँ बताऊँ लाइट की कमी नहीं पानी की कमी नहीं छोटे मोटे अस्पतालों की कमी नहीं सारे यहाँ सर के अंदर चार चार पाँच पाँच कॉलेज पाँचोड़ी में और भी और भी बाकी काम के का लिए अभी पाँच हज़ार विधायक रहे एक साल रहे तो दस महीने कितने महीने रहे उनका पाँच करोड़ का फंड या खेऊसर क्षेत्र में बांट दिया तो वो गवर्नमेंट ने रोक दिया उनका फंड विकास के लिए वहाँ रु, रुक गया दूसरी बार और अपना सांसद कोटे का और भी फंड यहाँ लगे सर में तो वो भी रोका है तो नेताजी यहाँ जो कोर्ट का नियम होता है ये सिस्टम होता है सिस्टम के वो हाई कोर्ट चले गए वो हाई कोर्ट में सुनवाई है दो चार पाँच दिन में थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन काम जरूर विकास के लिए कुछ और कोई परिवारवाद हम क्यों सर की जनता के लिए कोई परिवारवाद नहीं एक बात कहीं ना कहीं सामने उठ कर आ रही है विपक्षी पार्टियों से कि हनुमान बेनीवाल ने केवल और केवल लोगों को बरगलाने का काम किया है विकास उन्होंने कुछ नहीं करवाया हनुमान जी आज तक कोई बरगलाने का काम नहीं किया मैं तय दिल से और मैं मैं यहाँ के जागरूक व्यक्ति हूँ जी मैं भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा खिलाफ जी मैं भ्रष्टाचार मेरा मेन मुद्दा है जी या सर के सबसे ज्यादा या जितने भी भ्रष्टाचार करते हैं ना जी उनके पीछे मैं मैं ही लगा रहता हूँ और मेरे को पता रहता है कौन क्या कर रहा है जी। और ज्यादा इधर उधर करते हैं ना तो गवर्नमेंट किसी को मैं पंचायत राज एक्ट की बुक का और मेरे को मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार हूँ मैं कानून फॉलो करता हूँ जी मैं कोई पार्टियों के पीछे नहीं हूँ जिसने जो संविधान में जो कानून बनाया है उस उनको फॉलो करता हूं मैं मैं बीजेपी गवर्नमेंट के पीछे और कोई कांग्रेस के पीछे हूं। मैं सिर्फ कानून फॉलो करता हूं। मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब के और हनुमान जी बिना कानून के बिना वो भी फॉलो करते हैं और वो बिना बताए बिना पूछे हम उनके मार्गदर्शन से जितने भी किसानों के काम करने में अग्रणी रहते हैं